इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट के चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें हम हेडिंग 2.6 वायरस विरोइड एंड लाइकेन को सिंपल सरल आसान भाषा में समझेंगे सीखेंगे और रट्टा मारेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग 2.6 वायरस विरोइड एंड लाइकेंस। बिटेकर के फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ असेलुलर ऑर्गेनिज्म, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस विरोइड एंड लाइकेन का कोई जिक्र नहीं है। हम सभी कभी ना कभी कॉमन कोल्ड या फ्लू से पीड़ित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि कॉमन कोल्ड फ्लू का वायरस हमें कैसे अफेक्ट करता है? वायरस को क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं मिली क्योंकि वायरस ट्रू लिविंग नहीं है। अगर हम सेल स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म को लिविंग माने तो वायरस ट्रू लिविंग नहीं है। वायरस नॉन सेलुलर असेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। वायरस लिविंग सेल के बाहर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं। वायरस जब किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो वायरस होस्ट सेल की मशीनरी का उपयोग अपने को रिप्लिकेट करने में करते हैं और होस्ट को मार देते हैं। अब वायरस को लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग? वायरस का अर्थ बीनोम या पॉइजनस फ्लूड है। डीजे इबानोबस्की 1892 ने तंबाकू मोज़ेक डिसीज करने वाले ऑर्गेनिज्म को पहचाना। पाश्चर ने उन्हें वायरस टर्म दिया। वायरस बैक्टीरिया से छोटे पाए गए क्योंकि वायरस बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जाते थे। एम डब्ल्यू बिजेनिक 1898 ने पाया कि इन्फेक्टेड तंबाकू प्लांट का रस हेल्दी तंबाकू प्लांट में इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। बिजेनिक ने इस फ्लूड को कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूडियम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड कहा। डब्ल्यू एम स्टानले 1935 ने बताया वायरस को क्रिस्टलाइज रबेदार किया जा सकता है। वायरस की क्रिस्टल में मेनली प्रोटीन होती है। वायरस स्पेसिफिक होस्ट सेल के बाहर इनर्ट होते हैं। वायरस को ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। वायरस में प्रोटीन के साथ जेनेटिक मटेरियल भी होता है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए हो सकता है। किसी भी वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ नहीं होते हैं। वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है और वायरस का जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है। सामान्यतः प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरस को सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। बैक्टीरियल वायरस या बैक्टीरियोफेज में जनरली डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन करने वाले वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। प्रोटीन कोड को कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। कैप्सिड छोटी छोटी सब यूनिट से मिलकर बना होता है जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सोमियर हेलिकल या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में अरेंज रहते हैं। वायरस से मंप, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा नामक रोग होते हैं। ह्यूमन में एड्स भी वायरस द्वारा होता है। प्लांट में वायरस से सिम्टम हो सकते हैं जैसे मोजेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, एलोइंग एंड बैन क्लियरिंग, ड्रॉफिंग एंड स्टंट ग्रोथ। विरोइड्स, अभी हम बात करने जा रहे हैं विरोइड्स की। 1971 में टी ओ डाइनर ने विरोइड्स को डिस्कवर किया। विरोइड्स वायरस से भी छोटे होते हैं। विरोइड्स से पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता है। विरोइड में फ्री आरएनए होता है तथा प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता, इसलिए इन्हें विरोइड्स कहते हैं। विरोइड्स के आरएनए का मॉलिकुलर वेट कम था। अभी हम बात करने जा रहे हैं लाइकेंस की। लाइकेन एल्जी एंड फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबेंट तथा फंगल कंपोनेंट को माइकोबेंट कहते हैं। फाइकोबोंट फाइकोबायोंट ऑटोटॉपिक होता है तथा माइकोबायोंट हेटरोटॉपिक होता है। एल्जी फंजाई के लिए भोजन बनाता है। फंजाई एल्जी को शेल्टर आश्रय देता है तथा मिनरल एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। फंजाई एंड एल्जी के बीच बहुत क्लोज एसोसिएशन होता है। ये अनुमान लगाना असंभव है कि लाइकेंस में दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं। लाइकेन पॉल्यूशन के गुड इंडिकेटर होते हैं। लाइकेन पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते हैं, उगते नहीं हैं। आसान